देखिए भाई सेम ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल 24 क्या कह रहे हैं, सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ अ सेट 1, 2, 3 कंटेनिंग 1, 2, 2, 1 स्टॉप। समझो एक सेट है उसके अंदर तीन एलिमेंट्स है, तो कह रहे हैं इन तीन एलिमेंट्स को लेके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाते हैं पहले ये बताओ। तो मैंने आपको बताया था जो वैली डायग्राम बनाया था, वैली ट्रायंगल्स लॉ, उसमें बताया गया था कि अगर किसी सेट में तीन एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 9 बट 5 होंगे, क्या होंगे? तो चलो जल्दी से बता देता हूँ ट्रायंगल क्या था। सबसे पहले वन लिख दो, फिर उसके नीचे तो वन लिख ही दो क्योंकि फर्स्ट था। अब 1 और 1, 2 ऐड करो क्या हुआ, 1 और 1 ऐड करो कितना हुआ 2, अभी एंड वाला 2 इससे यहाँ लिख दो, 2 में 1 ऐड करो कितना हुआ 3, 3 में 2 ऐड करो 5, अब एंड वाला लिख दो 5, 5 में 2 ऐड करो 7 + 3 10 + 5, तो इसी तरीके से सीक्वेंस चलता जाएगा। तो तीन एलिमेंट है, तो तीन एलिमेंट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे ही है, तो इसके सबसे एंड में क्या लिखा हुआ है 5, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे 5, कितने होंगे 5 होंगे। अब 5 बना के आपको दिखाने नहीं है, बट एक बार रफली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ये किसी ने छोड़ दिया बना के 1, 2, 2 और 3, 3, इन एलिमेंट्स को लेके एक जो ये रिलेशन है ना ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे बनेंगे, 5 बन जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उन 5 में से जिसमें 1, 2 और 2, 1 का यूज़ होगा ऐसे केवल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। तो वो आपको दोनों बना के दिखा देने हैं। तो देखो पहला R1 में सी मैं दिखाता हूँ R1, अब ये तो इक्विवेलेंस हो गया, अब लेकिन इनका भी तो यूज़ करना है 1, 2 और 2, 1, और ये हमारा इक्विवेलेंस बन गया। देखो कैसे ख़त्म किस पे हो रहा है, स्टार्ट किस पे हो रहा है, तो 1, 1 इसके अंदर है और 1, 2 का उल्टा 2, 1 सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव, एक तो ये हो गया। R2 देखो जरा, ये सब है हिट एंड ट्रायल से ही आते हैं, प्रैक्टिस से आ जाएंगे ये। अब एक और हमको बनाना है। अब देखो मैंने ऐसी लॉजिक लगाया, मैंने कहा यार इसमें 1, 2 आ गया तो 2, 1 ऐसी, मैंने कहा चलो 1, 3 लेते हैं। तो जैसे ही मैंने 1, 3 लिया तो पक्की बात है 3, 1 भी लेना पड़ेगा, यस और नो। अब ये अब यहीं पे आके चेक करो क्या बात हमारी बन गई या बात हमारी बिगड़ गई, यहाँ पे आके चेक करो। अब देखो जरा एंड में 3 है, एंड में 3 है, 3, 1 इसमें है, 2 है और 2 है, ठीक है 1, 3 3, 1 का उल्टा हो गया 1, 1 3 पे स्टार्ट हो रहा है और 3 पे 2 पे कौन सा ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है 2 पे। अच्छा तो मैंने क्या किया, एक बार 2, 3 भी लिख दिया और 3 मैं सारी लिख दी। अब एक बात सुनो, मैंने सारी लिख दी, यूनिवर्सल रिलेशन ही लिख दिया, पक्की बात है ये इक्विवेलेंस तो होगा, आँख बंद करके आप बोल सकते हो। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो सिंपल चीज़ उस पर फॉलो करो, अगर तुम्हें लगा तो यूनिवर्सल रिलेशन ही लिख दो, सारे हमने छाप दिए उसमें। अब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही और ये हमारे पास 1, 2, 2, 1 का भी यूज़ हमने कर लिया और ट्रांसटिव है, आप किसी को भी लेके चेक कर सकते हो। ख़त्म किस पर, 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 3 पे ख़त्म हो रहा है, तो क्या हुआ 1, 2 हमारे पास अवेलेबल है, तो ये ट्रांसटिव भी है हमारा, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, तो ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन बन गए जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा तीसरा आप नहीं बना सकते। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा, हमने कुछ नहीं किया, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा तुम्हें, सोचना ही नहीं इसमें। तो ये तो वन पे ख़त्म हो रहा है, अच्छा छोड़ो यार उसे, सही बात है, मैंने पहला ले लिया ख़त्म, ये 3, 3, 2, 2 हमारे पास है। अब देखो ख़त्म स्टार्ट और ये 1, 2 है, सारे अवेलेबल हैं, मतलब है ना सारे अवेलेबल, तो ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, क्या चमका। इसके अलावा तीसरा आप नहीं बना पाओगे, तो भैया ये हिट एंड ट्रायल से ही होते हैं, इनके अंदर कोई पीछे लॉजिक नहीं है ऐसा कि हम आपको बताएं, जैसे उस वाले में था। इस वाले में एक ट्रिक बता सकता हूँ, जब कभी इक्विवेलेंस आए तो सारे रिलेशन लिख के आ जाओ, यूनिवर्सल लिख के आ जाओ, ख़त्म। तो वो पक्की बात है, जब यूनिवर्सल लिख दिया तो इक्विवेलेंस तो होगा, गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।